जय गुरुदेव, जय महर्षि। क्लास सिक्स, एक्टिविटी 30, पजल नंबर 9 एंड 10। ये पजल हमारे ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और इससे हमारा लॉजिक और जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, वो डेवलप होता है, और मेमोरी भी इससे आपके शार्प होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो पजल दी गई है, पजल नंबर 9 और पजल नंबर 10। पजल नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ये पजल नंबर 10 को देखते हैं। ये पजल नंबर 9 में क्या है, आपको चार स्टिक दी है, चारों इक्वल साइज की है, चार स्टिक, और इस तरह अरेंज की है कि ये एक क्रॉस जैसा दिखे, ठीक है। अब हमें आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सिर्फ इसमें से एक स्टिक को रिमूव करके फिर से रीअरेंज करना, इसी में लगा देना है, एक को शिफ्ट करके यहीं पर कहीं आपको लगा देना है, सो दैट कि ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो रिजल्ट आएगा इसका शिफ्ट करने के बाद, लगाने के बाद में, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप इसको एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। ये चार मैच स्टिक समझ लीजिए आप, ये चार मैच स्टिक है आपका, और इसको इस तरह से आप अरेंज कर दिए, और थोड़ा पास में कर सकते हैं इसको, हम थोड़ा दिखाने के लिए आपको कि दूर दूर दिखे, तो इसलिए हमने यहाँ ये किया है। तो इसको आप, ये हम लोग अगर कहें तो थोड़ा सा और, ये है इस तरह से, इसको भी थोड़ा और पास खींच सकते हैं, और इसको इस तरह से हमारे कुछ चार मैच स्टिक लगी है मान लो। अब इसमें से एक को, एक ही मैच को शिफ्ट करना है, आप इक्वल साइज का और कोई दूसरी चीज ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं, चार पेंसिल। क्लास में आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि ये चार रखी हुई है, वो इस तरह से अरेंज है हमारी। अब इसमें से एक को शिफ्ट करना है टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या दिख रहा है, आपका क्रॉस है, और उसको एक मैच को शिफ्ट करके क्या बनाना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये नाइन्थ पजल में तो आपको इसमें एक में जैसे शिफ्ट करना है और पजल बनाना है। अब ये एक दूसरा हमारा पजल नंबर 10 है, इसमें दो ट्रायंगल इक्वल साइज के दिए हुए हैं, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले तो अच्छा है, इसको भी आप विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा जो रहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक पीने वाने के लिए, जो बड़े टाइप के एक्स्ट्रा रहते हैं, उसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर इनको कान पर जोड़ दीजिए, या इसके भीतर में तार घुसा के आप ये ऐसा बेंड कर सकते हैं। तो यह है, तो दो इक्वल साइज के दो ट्रायंगल बनाए, ये दो ट्रायंगल हमारे इस है, ट्रायंगल को ऐसे अरेंज करना है कि आपके छह ट्रायंगल दिखे, छह ट्रायंगल बन जाए। पेपर पे भी आप ड्रा करके कर सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा से आप करेंगे तो, या पेंसिल रख दीजिए, वैसे तो आप छह पेंसिल लीजिए, पेंसिल रख दीजिए, और फिर उनको एक को शिफ्ट करना है आपको, एक किसी को इसको या इसको, एक को शिफ्ट करना है और आपके छह ट्रायंगल्स बन दिखे वहां पर है? तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर दो पजल आपको एक साथ दे दी है, एक पजल नंबर 9 है जिसमें चार स्टिक्स ये दी हुई है हमारी, चारों स्टिक एक क्रॉस के स्टाइल में अरेंज है, और इनमें से एक मैजिक किसी को रिमूव करना है टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? और इसमें क्या है, ये
इस तरह दो ट्रायंगल है हमारे, आपको पेंसिल से बनाना हो तो पेंसिल से बना लीजिए, एक्स्ट्रा से बनाना है तो आप तो एक्स्ट्रा से बना लीजिए, और उसमें फिर एक ट्रायंगल को ही शिफ्ट करना है और तीनों साइड को शिफ्ट करना, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड को शिफ्ट करना है और आपको 6 स्क्वायर दिखे ऐसा फिगर बनाना है। तो ये बड़ा आसान है, आप कई लोगों ने सोच लिया होगा या कई लोगों ने कर भी लिया होगा, मैं आपको इसका आंसर जानने के आप इच्छुक होंगे जो उनको बता ही देता हूँ। ये नीचे आंसर आ रहा हमारा, अब ये आंसर आ गए हमारे, ये 4 मैचेस्टिक का जो ये अरेंजमेंट हो गया, हमने यहाँ वाली जो मैचेस्टिक थी उठा के यहाँ रख दिया। आप कहेंगे सर यहाँ स्कोर कहाँ दिख रहा है, भाई हमने स्क्वायर नहीं कहा था, बार बार कहा था परफेक्ट स्क्वायर। आप पीछे जाके वो आपके पीछे आप इसको जाइए बैकवर्ड करिए और वीडियो को देखिए, परफेक्ट स्क्वायर ये क्या बन रहा दिख रहा है आपको, 4 जैसा दिख रहा है, तो नंबर 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया। हाँ, ये पजल हमने कम से कम 60-70 जगह तो हमने बताई होगी, सिर्फ एक छात्र ने हमें इसका सही आंसर दिया था। हाँ, कि इसका जो आंसर है ये यहाँ से स्टिक को हटा के हम ये करेंगे, और फिर हमने उससे पूछा भैया ये आपको कहाँ से पता चला, तो उन्होंने कहा कि एक ही बुक थी और उस बुक के एंड पेज पे ये बना हुआ था, उससे हमने सीखा। मैंने कहा किस क्लास की बुक थी, तो बताया उसने 6 क्लास की वो एक वर्क बुक थी, उसमें कवर पेज पे दिया था ये पजल और उसका आंसर भी भीतर में दिया हुआ था। तो हमने उससे पता किया, तो बाद में उसको जब हमने वेरीफाई किया तो बुक हमारे ही द्वारा लिखी तो एक बुक थी जो मैथ्स वर्क बुक थी जो क्लास 6 के लिए चलती थी, तो उसी बुक से उसने ये। तो हमें आज तक के किसी ने बताया, और जिसने ये कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताया कि नहीं हमने तो कर लिया था, हमें तो यह पता था या इसका आंसर सही था। और ये एक आंसर ये है, ये भी मतलब 95% लोगों ने नहीं कर पाए थे। अब आप अपने आप बताइए, क्योंकि वीडियो के फेस टू फेस तो हमारे लोग हैं नहीं, आप बताइए कि हाँ हमने सोच लिया था या गेस कर लिया था या सही है ये है, वो आप अपने हिसाब से आप बताइए। देखिए इसमें 6 ट्रायंगल बनने चाहिए, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक यहाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटा, ये ट्रायंगल एक छोटा, ये ट्रायंगल ये एक, तो ये 6 ट्रायंगल बन रहा है, एक स्टार जैसा बन गया। हमने क्या किया, नीचे वाले ये जो थी ये ट्रायंगल को पहले वाले ट्रायंगल जैसे तैसे नीचे वाले ट्रायंगल को हमने यहाँ ये साइड उठा के या उलट दे कहें हम, उलट दिया हमने ये पूरा ट्रायंगल को, यहाँ आ गया ये लाइन इधर नीचे आ गई ऐसे, और ये लाइन इधर आ गई हमारे, तो ये हमारे क्या हो गए 6 ट्रायंगल दिख रहा है। साथ में हमारा एक हेक्सागन भी दिख रहा है, वो अलग बात है, ये हेक्सागन है बीच में, मगर ये 6 ट्रायंगल से हमारे दिखाई दे रहे हैं। आशा है आपको आनंद आया होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है गणित में आनंद को खोजना, और आनंद की खोज आज के जमाने में बहुत जरूरी है। जब आपको गणित पढ़ने में सीखने में आनंद आएगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आप खूब उन्नति करें, निपुण हो गणित में, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।